दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में मिस्टर गुडर रोहित में। और लाइनक्स के ऊपर हमारी ये फिफ्थ वीडियो आ गई है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइनक्स कर्नल के बारे में कि लाइनक्स कर्नल होता क्या है और ये इसका क्या रोल होता है हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए और हार्डवेयर से क्या काम करवाता है। तो आज की डिटेल में पूरी तरह से जानने वाले कि लाइनक्स होता क्या है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों मैं आ गया अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइनक्स कर्नल मिस्टर कोडर रोहित, ठीक है। हाँ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कर्नल की दो तीन डेफिनेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में डेफिनेशन कर्नल की है क्या। तो मैं दो तीन डेफिनेशन बना रहा हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे आप देख लीजिएगा। तो जो पहली डेफिनेशन है कर्नल की, कर्नल इज एप्लीकेशन इंटरफेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है ये एक एप्लीकेशन इंटरफेस है विच प्रोवाइड्स यू इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हार्डवेयर, यहाँ पर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के बीच ये क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर उसको हार्डवेयर में मान लीजिए आपको कोई फाइल सेव करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप सब हार्ड डिस्क में सेव करेंगे ना, तो हार्ड डिस्क से काम कौन करवाएगा, कर्नल काम करवाएगा। तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि ये मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि हार्डवेयर से क्या काम करवाना है और कैसे काम करवाना है। इतना बात आपको आगे समझने। चलिए सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन मैंने देकर रखी है, कर्नल इज जस्ट ए प्रोग्राम। क्या है कर्नल इज जस्ट ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स यू एपीआई। एपीआई का मतलब है यहाँ पर एप्लीकेशन इंटरफेस, यानी कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आप समझ सकते हैं इससे। एपीआई यानी एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि टू कनेक्ट विद द ऑल हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन इंटरफेस, यानी कि आप जैसे मान लीजिए शेल प्रोग्रामिंग होगी कमांड्स के थ्रू, तो ये एप्लीकेशन इंटरफेस हो गया, वो भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन, कर्नल इज जस्ट ए प्रोग्राम। ओके भाई प्रोग्राम है, हम समझ गए कर्नल क्या है, एक प्रोग्राम है विच बूट लोडर लोड्स। यानी कि बूट लोडर अभी हमने इसकी पहली वीडियो में पढ़ा था बायोस, ठीक है, और बूट लोडर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यहाँ पर बूट लोडर क्या करता था, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करने के लिए लोड करता था कुछ फाइलें। तो कर्नल क्या है, बूट लोडर द्वारा लोड की गई एक प्रकार की फाइल है, ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज में हार्डवेयर से काम करवाने में मदद करती है। सीधी सिंपल सी बात, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है वैरायटी ऑफ। तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, कर्नल इज जस्ट ए प्रोग्राम विच बूट लोडर प्रोवाइड इन टू मेमोरी विच परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। यानी कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क ये परफॉर्म करती है। तो दोस्तों इतना सब हमने तीन डेफिनेशन यहां पर जान लिए कर्नल की। अब द लाइनक्स कर्नल के अंदर अब हम थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो अपनी जगह है, ओके अच्छी बात है डेफिनेशन आपने देख लिए, अब उसको कॉन्सेप्ट समझा जाए कि कर्नल एक्चुअल में क्या चीज परफॉर्म करता है। तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है का कोर प्रोग्राम है, इतना तो आपको समझ में आ गया। कर्नल क्या है, एक प्रोग्राम है या कोर प्रोग्राम आप इसे भी बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर डिवाइस को कंट्रोल कर उससे क्या होता है, यूजर के हिसाब से काम करवाता है। मान लीजिए यूजर चाहता है कि मुझे हार्ड डिस्क के अंदर फाइल सेव करनी है, तो कर्नल क्या करेगा, हार्ड डिस्क को बोलेगा भाई जल, यूजर ने बोला है काम कर। तो इस तरीके से कर्नल क्या करवाता है, काम करवाता है हार्डवेयर से। मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंट करवाया, तो आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाया, लेकिन कर्नल की जिम्मेदारी है कि वो प्रिंटर के पास जाए और बोले कि प्रिंटर तुम्हारे लिए काम आया है, जाकर तुरंत जाकर फाइल प्रिंट करो। तो ये कर्नल का काम हो गया। आगे आता आपको समझने कि कर्नल क्या करता है कि हार्डवेयर से काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब थोड़ा सा मैंने यहां पर आर्किटेक्चर बनाकर रखा है दोस्तों, ताकि आपके माइंड में बात आए कि इस आर्किटेक्चर के थ्रू कि किस तरीके से यूजर से शेल आता है, शेल से कर्नल आता है और कर्नल से हार्डवेयर, इन ये तीनों चारों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने एक आर्किटेक्चर है इसमें मैं बताता हूँ, सबसे पहले आता है हमारे पास यूजर। मान लीजिए मैं एक यूजर हूं और मैं एक कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ये वो स्क्रीन होती है जहां पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले होते हैं, हमारे डेस्कटॉप। तो वो जो डेस्कटॉप है वहां पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये सर्कल सबसे पहला वाला सर्कल है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमको मिल जाएंगे। अब इसके थोड़ा सा डीप जाएंगे जब, तो हमको यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप विंडोज की बात करें तो कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाती है, लिनक्स में मिलता है हमें यहां पर शेल प्रोग्रामिंग टर्मिनल मिलता है जिसमें हम अपनी कमांड के थ्रू काम करवाते हैं।
पूरा जो भी लाइनिंग से कमांड के थ्रू ही चलता है ना। तो ये सेकंड लेयर जो आ जाती है यहाँ पर कमांड वाली आ जाती है, जिसे हम शेल बोलते हैं, शेल, ठीक है। उसी शेल के अंदर यहाँ पर हम कमांड्स डालते हैं और अपना अपना काम करवाते हैं। कॉपी करना है तो उसके लिए एक कमांड होगी, और जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए एक अलग कमांड होगी। तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेज आ जाती है। अब मान लीजिए मैंने एक कॉपी की कमांड चलाई कि भाई मुझे एक कॉपी करना है, फाइल किसमें करना है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो हार्ड डिस्क के अंदर करना है, तो ये जो सबसे पहले यूजर यानी मैंने एक कमांड डाली सीपी, और सीपी कमांड किसके पास जाएगी, कर्नल के पास। कर्नल क्या आएगा, कर्नल के पास वो हार्डवेयर को भेजेगा। हार्डवेयर यानी कि आपका कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, मान लीजिए आप कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर जाएगी, तो हार्ड डिस्क से बोलेगा भाई काम कर, तो हार्ड डिस्क ने काम कर लिया। इस तरीके से ये सारा जो है सिस्टम सर्कल में रिंग की तरह चलता रहता है। ये कर्नल काम करवाता है, यूजर फिर काम देता है, फिर काम करवाता है, इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी होती है। आई होप दोस्तों आपको आइडिया हो गया कर्नल किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैंने एक और आर्किटेक्चर देकर रखा है आपके लिए, ताकि आप और डिटेल से समझने आए। यहाँ पर तीन यूजर बैठे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है, ब्राउजर आ जाता है, और यहाँ पर फिर टर्मिनल आ जाता है, फिर कर्नल आ जाता है, फिर हार्डवेयर आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा कर्नल वर्क करता है दोस्तों। तो ये था कर्नल, आई होप आपको समझने आया होगा दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।